नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, रिसेंटली यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें भारत के कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग्स को टारगेट बनाया गया है। यूएन के एक स्पेशल रेपोर्टर के द्वारा ये वाली रिपोर्ट पेश की गई और इसमें भारत के बारे में काफी खराब बातें लिखी गई हैं। ये कहते हैं कि भारत ने कश्मीर को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है, वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जो कश्मीरी पीपल्स हैं, कश्मीरी मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ में वॉयलेंस देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंडिया के द्वारा ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, ये जो बी ऑब्जेक्शन यहाँ पे किए गए हैं, उनको यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यूएन ऑब्जेक्शन आर बेसलेस एंड अनवारंटेड। इंडिया, ये जो भी आप आरोप लगा रहे हो इंडिया के ऊपर, ये बेसलेस है, इनका कोई भी आधार नहीं है एंड अनवारंटेड है, अर्थात अनुचित है। कश्मीर अवर्स, कश्मीर हमारा है, हु आर यू, आप होते कौन हो हमारे इंटरनल मैटर के ऊपर बात करने वाले। कश्मीर अवर्स, हु आर यू, इंडिया सलाम्स, यूएन स्पेशल रेपोर्टर्स ऑब्जेक्शन टू दिस श्रीनगर मीट। यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है, या काफी दूसरे और मीडिया हाउसेज ने भी इसको कवर किया है। इंडिया सलाम्स, यूएन स्पेशल रेपोर्टर्स कमेंट ऑन कश्मीर अहेड ऑफ G20 मीट। आपको मैं बता दू, वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म की मीटिंग होने वाली है 22 मई से लेकर 24 मई के बीच में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। आपको पता है इसी साल G20 की मीटिंग्स, या फिर G20 का होस्ट और SCO का होस्ट इंडिया है, और इसी कड़ी के अंदर हम लोग पूरे भारत के अंदर अलग अलग शहरों में मीटिंग्स का आयोजन करवा रहे हैं, और इसी का एक हिस्सा है कि G20 की जो मीटिंग्स है टूरिज्म के ऊपर, वो हम लोग श्रीनगर के अंदर करवा रहे हैं। पूरे विश्व को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आप आइए कश्मीर के अंदर, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि इस तरह के फालतू लोगों के द्वारा बताया जाता है। द ट्रिब्यून ने भी इसको कवर किया है, बेसलेस। इंडिया सलाम्स यूएन रिपोर्टर्स फॉर ऑब्जेक्टिंग टू G20 मीट इन श्रीनगर। राइट, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी बातें इनके द्वारा कही गई है और इंडिया ने किस तरीके से इसका जवाब दिया है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करने ला। नाउ, इंडियाज मिशन टू द यूनाइटेड नेशन, हमारा जो परमानेंट मिशन है यूएन के अंदर जिनेवा में, उसने स्लैम किया है स्पेशल रिपोर्टर्स ऑन माइनॉरिटी इश्यू ओवर द कमेंट ऑन G20 मीट इन श्रीनगर एंड कॉल्ड इट बेसलेस एंड अनवारंटेड। ये बिल्कुल अनुचित और आधार लेस है, इसका कोई भी आधार नहीं है जैसी बात आप बता रहे हो। ये यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स ऑन माइनॉरिटी इश्यूज, इनके द्वारा कमेंट किया गया, ट्वीट किया गया और ये वाली रिपोर्ट यहाँ पे इसको टैग किया गया। होल्डिंग ए G20 मीट, इनका कहना है कि G20 मीटिंग भारत जम्मू कश्मीर में करवाकर वहां पर जो मैसिव ह्यूमन राइट वॉयलेशन हुए हैं, और साथ ही साथ जो भी ब्रूटेलिटी लोगों के साथ की गई है, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ, उस चीज को इंडिया नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात जो भी वहां पे वॉयलेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती है, इनके इनके अनुसार उन सबको इंडिया लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, और सब बातों को नॉर्मलाइज करने के लिए टूरिज्म की जो मीटिंग्स है वो G20 की मीटिंग्स कश्मीर के अंदर आयोजित करवा रहा है, ये ऐसा इनका कहना है। वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो भी राइट्स हैं लोगों के, जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन सबको यहाँ पे डिनाई किया गया है इंडिया के द्वारा। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके द्वारा जो भी ये आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बेसलेस और हम कह सकते हैं कि आधारहीन है। इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हैव राइजन ड्रामेटिकली इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, सिंस 2019, अर्थात आपको पता है 2019 में 5 अगस्त की बात हो जाएगी, जब हमने यहाँ पे अनाउंस किया था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाएगा, तो तब से ही ये कहते हैं कि काफी वहां पे ह्यूमन राइट वॉयलेशन देखने को मिल रहे हैं उनका, जो कि काफी बढ़ोतरी वहां पे हुई है, क्योंकि इंडिया ने रिवोक कर दिया था एक स्पेशल स्टेटस को ऑफ द रीजन, जो भी मैंने बताया धारा 370 आप सबको पता है, एक स्पेशल स्टेटस इस रीजन को देता था। उसके हट जाने के बाद दो यूटीज यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती हैं, और इसी के लिए कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी वॉयलेंस देखने को मिलते हैं। बाय होल्डिंग G20 मीटिंग्स, अब इंडिया G20 की मीटिंग्स को यहाँ पर करवा के, जो कि टूरिज्म के ऊपर है, इंडिया जो है ना, इज सीकिंग टू नॉर्मलाइज व्हाट सम हैव डिस्क्राइब्ड एज मिलिट्री ऑक्यूपेशन बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ए G20 मीट। देखिए, इनका एक प्रकार से आप देख पाओगे तो ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को मिलिट्री के सहारे से इलीगल ऑक्यूपाई किया गया है,
वहां के जो कश्मीरी पीपल्स हैं, कश्मीरी मुस्लिम हैं और जो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ में दिन रात वहां पे टॉर्चर होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ वॉयलेंस होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती है, मास किलिंग्स देखने को मिलती है। और उन सबको छुपाने के लिए इंडिया G20 की टूरिज्म की मीटिंग भारत वहां पे जम्मू कश्मीर में करवा रहा है, ऐसा इनका कहना है। इस पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ भी लेना, अवेलेबल हो जाएगी आपके इंटरनेट के ऊपर। द स्पेशल रेपोर्टर्स इश्यूड ए स्टेटमेंट टुडे डिस्क्राइबिंग द मैसिव राइट्स वायलेशन एज इंक्लूडिंग टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट्स ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम एंड द माइनॉरिटीज, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। हालांकि अब इंडिया ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल, इंडिया स्लैम्स यूएन कंप्लीटली, जो हमारा जो मिशन है, जो परमानेंट मिशन है, उसने बताया है कि ये जो आप आरोप लगा रहे हो या फिर जो भी आपने रिपोर्ट पेश की है, ये बेसलेस है, कोई भी इसका आधार नहीं है। दूसरा, अनवांटेड या अनवारंटेड आप कह सकते हो, अनुचित है, हम जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये आप देख पाओगे इंडिया एट यूएन जिनेवा, वी इंडिया एट यूएन जिनेवा स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट द स्टेटमेंट इशूड बाई दिस स्पेशल रिपोर्टर्स ऑन माइनॉरिटीज इश्यूज, ये इनका नाम हो जाएगा, एंड द बेसलेस एंड अनवारंटेड एलिगेशंस इन इट। एज G20 प्रेसिडेंट, इट्स इंडियाज प्रेरोगेटिव टू होस्ट इट मीटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल कड़े शब्दों में हमने बोल दिया है कि G20 के हम लोग मेंबर हैं और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम लोग किस हिस्से के अंदर, किस रीजन में G20 की मीटिंग्स का आयोजन करवाएं। आप इसके अंदर दखल अंदाजी मत कीजिए, आप हमको मत सिखाइए कि हम लोग कहाँ पर मीटिंग्स करवाएं। वी और अगेंस्ट, हम लोग इसकी निंदा करते हैं, दैट ये जो पर्सन है स्पेशल रेपोर्टर्स हैज एक्टेड इररिस्पॉन्सिबिलिटी टू पॉलिटिसाइज द इश्यू। देखिए, ये जो पर्सन है जिन्होंने इस बात को बोला है, जो स्पेशल रेपोर्टर्स हैं, ये इस इश्यू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट पेश कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि आपको पता है स्पेशल रेपोर्टर्स हैं और अच्छी पोजीशन वहां पे होती है यूएन के अंदर, तो वो अपनी पोजीशन का यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं टू पब्लिसाइज अपने टू पब्लिसाइज ऑन सोशल मीडिया हिज प्री एजम्पटिव एंड प्रीजुडिसाइड कंक्लूजन इन ए ग्रोस वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसआर। अब इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि आप बिल्कुल पब्लिसिटी चाहते हो और इसका दूसरा कोई भी आधार नहीं है, और जो भी बातें इनके द्वारा बोली गई हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, केवल इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा इंडिया के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। और हालांकि मैं आपको बता दूं, जो इंडिया के अंदर एससीओ की जो मीटिंग्स थी फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें आपको पता है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ये भारत के अंदर भाग लेने आए थे और तब इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था, तब भी इन्होंने, यानी कि तब भी इंडिया ने बिल्कुल कंप्लीट रूप से इस चीज को डिनाई किया, और जो हम G20 की मीटिंग्स कश्मीर के अंदर करवाने वाले हैं, इसके ऊपर भी हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया था कि भाई देखिए, जो G20 की मीटिंग्स है वो एक नॉर्मल पार्ट है, हम लोग प्रत्येक हिस्से के अंदर, देश के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक रीजन में मीटिंग्स का आयोजन करवा रहे हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम लोग कहाँ पर मीटिंग्स का आयोजन करवाएं। धारा 370 के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आई एम श्योर कि आपने देखी होगी, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, 370 इज हिस्ट्री, ऐसा जयशंकर के द्वारा कहा गया था कि भाई उठिए, जागिए और चाय की चुस्की लीजिए, धारा 370 जो है कि एक हिस्ट्री अब बन चुका है। नाउ इंडिया गियर्स अप फॉर द कश्मीर G20 टॉक अपोज्ड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के द्वारा G20 मीटिंग्स को पहले भी अपोज्ड किया गया था, यूएन के अंदर भी। अब देखिए, सीधी सा जो ये जो रिपोर्ट पेश की गई है या जो भी बातें उनके द्वारा बोली गई है स्पेशल रिपोर्टर्स के द्वारा, वो सब बातें एक प्रकार से ऐसे लग रहा कि पैसे देकर उनसे बुलवाई गई है ना, उनके मन की कोई भी बात वहां पर नहीं है, तो ये चीज है। हालांकि इंडिया ने बिल्कुल अपनी कमर कस ली है, G20 की मीटिंग्स कश्मीर के अंदर होने वाली है, हम लोग विश्व को दिखाएंगे कि देखिए कश्मीर के अंदर कितनी सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, और काफी घूमने वाली चीजें हैं वहां पर, टूरिज्म काफी, टूरिज्म को प्रमोट वहां पे किया जाएगा, लोगों को अल्टीमेटली वहां पे रोजगार मिलेगा, तो वो सब चीजें हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और दूसरा, आपका इसके ऊपर क्या विचार है, क्या आप इसके ऊपर सोचते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। भारत ने बोल दिया था पाकिस्तान को, दे शुड टॉक अबाउट व्हेन दे विल वैकेट द इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ द जम्मू कश्मीर, कि पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि अब आप कब जो इलीगली ऑक्यूपाइड आपने किया गया है उसको आप वैकेट करने वाले हो।
बात होगी तो सिर्फ इसी के ऊपर होगी, बाकी दूसरे किसी मुद्दे के ऊपर या बायलैटरल इश्यूज के ऊपर बात नहीं होगी, राइट। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपके क्या इसके ऊपर विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।